मैं फारूक वानी, आप देख रहे हैं ब्राइटर कश्मीर इंटरव्यूज। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप हैं आरिफ खान साहब, जो कि केरला के गवर्नर हैं और कश्मीर के दौरे में हैं। तो खान साहब, आप कश्मीर बार बार आते हैं और कश्मीर के साथ मेरे को लगता है कि आपके बहुत सारे गहरे संबंध हैं, तो क्या वजह है कि कश्मीर आपको खींच खींच के बुलाता है? सब तो मैं तालिबे इल्मी के ज़माने से, उस जब मैं लॉ कर रहा था अलीगढ़ में, तो उस ज़माने में श्रीनगर में लॉ कॉलेज नहीं होता था, तो कश्मीरी लॉ करने के लिए कम तादाद में, मुझे जो तब का मालूम है कि वो अमृतसर जाते थे, लेकिन बड़ी तादाद में अलीगढ़ आते थे। और मैं चूँकि यूनियन में सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा, कश्मीरी स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, 500 से ज़्यादा, उनकी एसोसिएशन भी थी। मेरे दोनों इलेक्शन में कश्मीरियों ने मुझे सपोर्ट किया ऑफिशियल एसोसिएशन तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि मुझे सपोर्ट किया, बल्कि उनसे एक ताल्लुक गहराता चला गया। और यहाँ पे मैं जैसे ज़माने में 80 से 84 तक तो मैं बाकायदा गवर्नमेंट में थी, कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए ज़रा कश्मीरी अफेयर्स में मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाती थी। तो मैंने उस ज़माने में महसूस किया कि वैली में कोई जगह जहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट था, एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ 4-6 वो लोग नहीं थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने मेरा इलेक्शन लड़ाया था, जिनसे बहुत ताल्लुक था। तो मुझे कश्मीर आके बिल्कुल एकदम किसी को भी जिसके इतने जानने वाले हों उसको अपनाइयत का एहसास होता है। फिर यहाँ उसके बाद भी और बहुत सारे दोस्त जिनके बीच में भी मैं, जो जब मैं केरला जाने से पहले भी सालों तक कई दफ़ा खुशी होती है, कोई गमी होती है, तो शायद शादियों में तो उतनी नहीं आया, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे बहुत नज़दीकी दोस्त, उनका इंतकाल हो गया, कुछ होया, तो मैं लगातार, मतलब कश्मीर के साथ एक लगातार ही आता रहूँ। फिर उन ख़ानदानों में से बराबर का ताल्लुक बना हुआ है, इसी तरह ताल्लुक बना हुआ है। जब हमारे जैसे ग़ुलाम नबी शौल साहब ज़िंदा थे, लाला ज़िंदा थे, तो जब जो ताल्लुक उस वक्त था, आज भी उनके ख़ानदानों के तो इंशाल्लाह ये ताल्लुक आपका आगे भी रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा, मरते दम तक रहेगा। आरिफ साहब, अभी आप कश्मीर के आज के दौरे पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन में आप जा रहे हैं, जो कि सूफी कॉन्फ्रेंस है, और उसका इनेकाद जो है GSPF ने किया है। तो सूफी का लेके जो कश्मीर अगर देखा जाए, एक मरकज़ बना हुआ है सूफी का, और ये सूफी, इसका आपके साथ क्या वास्ता है, और आप ये मैसेज क्या देंगे जो कि इससे दिल्ली का और कश्मीर का और ज़्यादा मजबूती हो जाए? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप उसे सूफीज़म कहिए, तसव्वुफ़ कहिए, ऋषियत कहिए, कश्मीर में हम ऋषि कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर ये वो तसव्वुर है कि जहाँ मादियत में रूहानियत को तलाश किया जाता है, मादियत के ज़रिए, मतलब जो भी मौला अली का एक कौल है, किसी ने पूछा कि दीन की तारीफ क्या है, हाउ विल यू डिफाइन द रिलीजन, तो किताबों में ये लिखा हुआ है कि मौला रुके भी नहीं एक मिनट के लिए, घोड़ा उनका तैयार था, कहीं जा रहे थे, और ये भी लिखा हुआ है कि उस शख्स ने इनको रोकने की नीयत से ये सवाल किया था, ये सोचकर कि ये सवाल बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन है, मतलब बड़ा अहमियत का हामिल है, लिहाजा ये इनको रुकना पड़ेगा जवाब देने के। उन्होंने घोड़े पे बैठते बैठते कहा, एक जुमले में कहा, दीन तो बहुत आसान है, अल अज़मतु लि अम्रिल्लाही व शफ़क़तु लि ख़ल्क़िल्लाह, अल्लाह की अजमत दिल में जागजी हो जाए
और अल्लाह की मखलूक के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, कुल मिला के दीन इतना। ग्रेट, इससे आगे कुछ दीन है ही नहीं। और मैं जब नंद ऋषि को पढ़ता हूं और उनकी गुरु लल्लेश्वरी को पढ़ता हूं तो मुझे उनकी सारी सारे कलाम में यही नजरिए का रिफ्लेक्शन नजर आता है कि मैं तो हैरत में रह गया। मैं वो बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, आपके आप बाकी शायद हिंदुस्तान में वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, बाफंद, किसको कहते हैं बाफंद, शायद जो कारपेट वगैरह बनाते हैं उनको कहते हैं शायद। अब वो कारपेट बनाने वाले के आले, वो कोई बेचारा लोहार थोड़ी है, वो बड़ा ही भी नहीं है, उसके आले तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या तसव्वुफ में क्या हसासियत है, ऋषियत में क्या कदरें हैं, आप इस मैं तो मतलब मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर के लिए मैंने किताब रख दी और बस मैं सोचता ही रह गया के बाफंद, बाफंद से नंद ऋषि कह रहे हैं कि तेरे आलों की खटखट से बेत के पेड़ पे लगा हुआ शहद की मक्खी का छत्ता, मक्खियां डिस्टर्ब हो रही हैं। इस हसासियत को गौर कीजिए, अगर मक्खी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं तो इंसान की तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। ये आला इंसानी कदरें, और इन कदरों को जिस तरह कश्मीर, जिसे मैं ऋषियत कह रहा हूं उसको कुछ लोग कश्मीरियत भी कहते हैं, जिस तरह उसमें इसको उजागर किया गया, कश्मीर का खास दर्जा कानून से नहीं है, कश्मीर का खास दर्जा कश्मीर की सोच से है, कश्मीर के दिमाग से है, कश्मीर की आला कदरों से है, कश्मीर ने जो पैगाम दिया है पूरे मुल्क को नहीं पूरी दुनिया को, इंसानियत का, मोहब्बत का, अखुव्वत का, और सबसे बढ़ के दर्दमंदी का, मक्खी की भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं, यह है कश्मीर का स्पेशल दर्जा। खान साहब, जैसे आपने बहुत गहराई में इसको सूफीज्म को डिस्कस किया, तो मैं इसी जगह से ताल्लुक रखता हूँ जो नंद ऋषि की ज़मीन है। तो जो कश्मीर में अगर देखा जाए तो सूफियत का गहवारा है वो चरारी शरीफ, जहाँ पे आपने नाम लिया, या मरकज़ है, तो मैं उसी जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहीं रहता हूँ। तो खैर, इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो कहने का मतलब ये, जो आज की कॉन्फ्रेंस है, जो कल आप अटेंड करने वाले हैं, जहाँ पे कल बोलने वाले हैं आप, तो वहाँ पे आप कश्मीर को कैसे डिस्कस कर लेंगे, जो कि कश्मीर आज की डेट में और आज से कुछ साल पहले खास करके 370 के हटने के बाद तो बहुत हद तक यहाँ पे अभी नॉर्मल सी चल रही है, बहुत हद तक यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। और क्या आप इस किस अंदाज को देखते हैं कि 370 के हटने के बाद अभी यहाँ पे बहुत सारे और भी कुछ काम होने वाले हैं, और क्या आपके दिमाग में ये चल रहा है, और क्या मैसेज दे देंगे आप? मैं ये मानता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान, ये मैं बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं, लोगों के दिमाग में कश्मीर उनके सर का ताज है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, बड़े से बड़े तालीमी इदारों में जहां संस्कृत की डिग्रियां दी जाती हैं, वहां ग्रेजुएशन की डिग्री से डिग्री लेने के पहले डिग्री हाथ में तब दी जाती है जब श्रीनगर की तरफ मुंह करके उम्मीदवार 8 कदम चलता है। पूरा हिंदुस्तान ये मानता है कि हमारे मुल्क का अगर इल्म का कोई गहवारा है जहां से इल्म के, दानिश के, हिकमत के चश्मे फूटते हैं तो वो कश्मीर, वो श्रीनगर है, वो वैली है, ये है कश्मीर का, ये कश्मीर का स्पेशल दर्जा
कानून से दस्तूर से नहीं है, ये हजारों हजारों साल से हिंदुस्तानियों के दिमाग में गहरी जड़ें हैं इसकी। और इस इंप्रेशन के चलते हुए कश्मीर में जैसे ही वो कंफ्यूजन जो 370 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने पैदा किया, जैसे कश्मीर कोई कोई खुली मंडी में कोई कोई चीज बिकाऊ चीज है कि कोई भी उसको ले जाए, जैसे ही वो ये कंफ्यूजन पूरी मेहनत करके पैदा किया गया। 1971 में जिस तरह पाकिस्तान टूटा, अब उन्हें जो हजीमत हुई उसका बदला वो कश्मीर में बदअमनी पैदा करके उसका बदला चुकाना चाहते थे। आज वो आप गौर करिए, मेरे ख्याल से साल दो साल और लगेंगे, उनकी ये इस्तेदाद कि वो कहीं गड़बड़ कर, वो अपने ही आप को नहीं इकट्ठा रख सकते, बदअमनी है वो उस उनकी वो उस हैसियत में ही नहीं रहेंगे कि वो कहीं बदअमनी पैदा कर सके। और कानूनी और दस्तूरी तौर पे सिचुएशन वाजे हो गई। और मैं ये समझता हूँ कि दिमागों में जैसी ये चीज़ सेटल हो गई, कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट स्टेट होगी, ये आईटी का हब होगा, ये टूरिज्म का हब होगा, ये इल्म के मरकजों का हब होगा, और ये दुनिया का, मतलब हिंदुस्तान का तो ताज है ही, ये दुनिया के लिए एक मिसाल होगा बताने के लिए कि कैसे जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, कोई दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बगैर इंसानी कदरों के चल सकता है, बगैर इंसानी दर्द के चल सकता है, बगैर दूसरों की परवाह किए हुए चल सकता है। और वो तालीम जो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान की कदीम तहजीब से जुड़ी हुई चीज है, वो कि जहां पे कहा गया है कि जिसकी ये जिसमें ये काबिलियत हो और जो अपने आप को ये तरबियत दे सके कि वो सबके अंदर उस एक को देख सके और उस एक को सबके अंदर देख सके, वही असल में देखने वाला। खान साहब देखिए, इस साल क्या हो गया कि गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स थी उन्होंने रोड शो करवाए, न कि इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर यूटी सरकार भी शामिल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शामिल है, और दो दफ़ा या यहाँ पे अमित शाह जी आए, नरेंद्र मोदी साहब आए जो पीएम है, तो उनकी आज मदर की डेथ हो गई है, तो हम उनको ये चाहते हैं कि उनको पीस उनको मिले, तो मदे और तो सर अहमद दे उनकी वालदा तो, लेकिन शांति दे सर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाज़ाब्ता अपने जो ट्विटर हैंडल्स है वो कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो उन्होंने ट्वीट डाला कि कश्मीर आ जाओ, इसको देखो ये, मतलब तो इस साल कश्मीर में लातदाद जो इंडियंस टूरिस्ट और फॉरेनर्स आए, तो खैर इंडिया तो इससे ज़्यादा है और यहाँ की इकोनॉमी को एक अच्छा सा एक बूस्ट मिला, तो उसको किस अंदाज से देखते हैं कि वो आप उसको जो आपकी नज़रियात है उसके बारे में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो काम किया उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो देखने मैं वाले आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों चाहे हमारे होम मिनिस्टर हों, हर कोई ये चाहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान की सुरखेल रियासत बने, कश्मीर सिर्फ अपने लिए नहीं, कश्मीर पूरे मुल्क को रास्ता दिखाए, कश्मीर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कश्मीर का टूरिज्म, कश्मीर की कारीगरी, कश्मीर के कारपेट, कश्मीर के कपड़े, कश्मीर का जो क्राफ्टमैन है, ये इसका मुस्तहिक है कि इसको सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, सिर्फ यहीं नहीं, इसकी पहचान पूरी दुनिया में बननी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों सबकी फिक्र सिर्फ एक है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि ये जो 30 साल में इंप्रेशन खराब हुआ था कि जहाँ लगता था कश्मीर जैसी पुरान जगह, उसका नाम जोड़ दिया गया कि, और वो लोग उन लोगों ने किया जो सरहद पार से आए, कि जैसे यहाँ जाने महफूज नहीं, बस एक बार वो इंप्रेशन मजबूत हो जाए
कि अब उनकी एक्टिविटीज जो बाहर से आने वाले थे हम अब वो मुकम्मल तौर पर रुक गई हैं, और कश्मीर की अपनी जो पुरानी विरासत है कश्मीर वहाँ पे आ गया है। मैं आपको यकीन, मैं यकीन से ये बात कह रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि दहाई भी नहीं लगेगी, चंद साल लगेंगे, कश्मीर हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है एमर्जिंग पावर के तौर पे। G20 जो हिंदुस्तान को प्रेसिडेंटशिप मिली है वो सिर्फ बाय टर्न नहीं मिली है, आज की तारीख में दुनिया के जो सबसे अमीर और सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं जो उनके यहाँ टॉप की हैं, आज नजर डालिए सब की सरबराही हिंदुस्तानी का नहीं। उसका एक सेशन तो कश्मीर में भी हो रहा है, तो वो जो आपने जैसे आपने खुद बोला कि G20 की एक मीटिंग हो रही है इंडिया में, मतलब उसकी प्रेसिडेंसी और कश्मीर में एक मीटिंग हो रही है, तो उसको किस डेवलपमेंट से आप देखते हैं? नहीं, मैं इसी तरह देखता हूँ कि पूरी दुनिया को ये एहसास हो जाएगा कश्मीर में जो बदअमनी थी वो कश्मीरियों की पैदा की हुई नहीं थी, वो बाहर के लोग थे जो आके बदअमनी पैदा कर रहे थे। फॉरेन का हाथ है, बाहर का हाथ था। कश्मीरी पुरमन लोग हैं, कश्मीर पुरमन खित्ता है, कश्मीर सिर्फ पुरमन खित्ता नहीं है, कश्मीर इंसानियत की कदरों का आलमबरदार है, कश्मीर शेखुल आलम की विरासत का अमीन है। और ये होगा तो आप देखिएगा सिर्फ गर्मियों में नहीं, पूरे साल कश्मीर दुनिया के टूरिस्ट से, अपने मुल्क के डोमेस्टिक टूरिज्म से भरा पड़ा रहेगा। और कश्मीर में मैं तो आने वाले सालों में देख रहा हूँ कि सिर्फ टूरिज्म नहीं होगा कश्मीर में, कश्मीर आईटी का हब होगा। कश्मीर बहुत ही मुनासिब जगह है, और वो हिंदुस्तानियों के दिमाग में बसा हुआ है कि कश्मीर बड़ी इल्मी दर्सगाहों का मरकज बनना चाहिए। खान साहब, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ एक मतलब कुछ टाइम से कश्मीर में जो टेररिज्म या मिलिटेंसी या क्या कहें उसको बहुत ग्राव डाउन हो रहा है, तो ये जो इसका जो शाही है या इसका जो क्रेडिट है वो किनको दे रहे हैं आप? अभी आज की डेट में अभी कुछ किलिंग्स भी हो गई है, यहाँ पे पंडितों की किलिंग हो रही है या यहाँ के लोकल्स को भी मारा गया है, तो उसको आप किस अंदाज से देख रहे हैं? मैं इस अंदाज से देख रहा हूँ कि सुबह के वक्त जिस जमाने में बिजली नहीं होती थी और दिए जलाए दिए से रोशनी ली जाती थी, तो जब उसमें तेल ख़त्म होने लगता है दिए में तो जोर से भड़बड़ाता है, ये टेररिज्म का एंड हो रहा है। और उसकी एक और वजह आपको बताता हूँ, जहाँ से ये टेररिज्म स्पॉन्सर होता था वो आज इतने बड़े खतरे में हैं कि उनकी ये इस्तेदात कि वो अब टेररिज्म एक्सपोर्ट कर सकें ये अब उनकी रहेगी ही नहीं अगले साल दो साल में। कौन सा पाकिस्तान जिस स्टेज से गुजर रहा है वो जरा अभी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचियों के बीच में जो समझौता हुआ है आपको मालूम है, उसको लेके आज एक बड़ी मीटिंग हो रही है। उनको लग रहा है कि उनके लिए उसे कंट्रोल करना आसान नहीं, जो अपने मुल्क की सालमियत को और अपने मुल्क के कानून का जो निज़ाम है उसको बरकरार नहीं रख सकते। वो जितने दिन उन्होंने करना था कर लिया, अब वो किस्सा पारीना है। कश्मीर का मुस्तकबिल बहुत रोशन है इंशाल्लाह, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया की उभरती हुई ताकत के तौर पे देख रही है, और कश्मीर उस ताकत का मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो उस ताकत का मैं जो रियल कंट्रीब्यूटरी रोल होगा वो कश्मीर का। खान साहब, थोड़ा सा इससे हटके हम एक बात करेंगे। खान साहब, यहाँ पे एक चर्चा बहुत चल रही है, सब ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कब होंगे, पॉलिटिकल सिस्टम कब बनेगा,
तो क्या होगा? अभी पिछले दिनों कुछ DDCs के इलेक्शन भी हुए, BDCs के, अब ये बोल रहे हैं कि पहले हम DDC के इलेक्शन करवाएंगे, तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम का सिस्टम होना है यहाँ पे। लेकिन साथ ही मैं बता दूं कि अभी जो गवर्नर यहाँ पे है, गवर्नर साहब हैं LG सिन्हा साहब, तो उनका उनकी उनकी सरबराई में यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन हो, हम पावर में आ जाएं, तो लेकिन तो आप इसको किस नहीं, अकेले जो पॉलिटिशियन वो नहीं, मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी खुद इस बारे में फिक्रमंद है कि हमारी जमहूरी इदारे बहाल होने चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर फिक्रमंद है, हमारे होम मिनिस्टर फिक्रमंद है, बस एक इतना गैप चाहिए जिस गैप में एक फाइनल मैसेज चला जाए, फाइनल मैसेज, ऑलरेडी सिचुएशन बहुत अच्छी है लेकिन एक फाइनल मैसेज चला जाए, टेररिस्ट के ऑपरेट करने के लिए अब कश्मीर में कोई जगह नहीं, और कोई भी नहीं चाह, मतलब दिल्ली से लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर तक हर किसी की ख्वाहिश नहीं, फिकर है ये कि ये हम अपनी इस स्टेट को चाहे हम जितना अच्छा काम कर सकें लेकिन हम जमहूरी इदारों के जरिए चलाना चाहते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक जैसे ही ये मैसेज कंप्लीट हो गया, एक मिनट की देर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से और सरकार दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी, जल्दी से जल्दी जमहूरी इदारे बहाल होंगे, लोगों को अपनी अपने फैसले करने का हक मिल सके। ये उस वक्त तक है जब आप इलेक्शन के जरिए सरकार चुनते, टेररिस्ट उनको काम नहीं करने देते, उनको प्रेशर, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, उस स्टेज को लाने के लिए जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, इलेक्टेड ऑफिशियल के ऊपर आज की तारीख में कई सारे, आज की तारीख में नहीं, अब से पहले कितने सारे इलेक्टेड लोगों को भी गोली का निशाना बनाया गया, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्टेड लोगों को वो माहौल पैदा कर दें जहां इलेक्शन लड़ने वालों के दिलों में भी ये बात हो जाए कि हमारी जान को कोई खतरा नहीं होगा और हम आज़ादी के साथ बगैर किसी खौफ के अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकें। खान साहब, आप अभी कश्मीर में हैं तो कश्मीर के लोगों को क्या बताना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये खान साहब, कश्मीर आप वो कहते हैं ना कि आप आए बाहर आए, आप कल यहाँ पे आए हैं और कश्मीर में बाहर आई, बाहर आपके साथ साथ बर्फ भी हुई और यहाँ पे अभी चल रहा था कि बीमारी चल रही थी सब कुछ, वो तो इसकी इसके ऐसे टूट गई, अब अभी तो ख़त्म हो जाएंगी वो। और दूसरी बात, न्यू ईयर आ रहा है, कल न्यू ईयर की तकरीब है और आप न्यू ईयर पे एक बहुत बड़ी फंक्शन में आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और जो कि सूफी कॉन्फ्रेंस है और जो कि GSP अपने ऑर्गेनाइज की है, तो इसका मतलब है ये सारा कोइंसिडेंस हो रहा है, बर्फ भी गिरी, न्यू ईयर भी आ रहा है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, तो जरा सा सर हमें कुछ इसके बारे में एंजॉय बताएं। मैं तो सिर्फ, आपने बहुत अच्छी याद दिलाया मुझे, पहले तो मैं सबको नए साल की मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छे रोशन मुस्तकबिल की दुआ करूंगा, और ये मतलब मैं पूरे खुलूस के साथ ये बात कह रहा हूँ, दिल की गहराइयों से ये बात कह रहा हूं, ही बकिया मुल्क के लिए कश्मीरी हमारे लिए, हमारा दिल, हमारा जान, हमारी जान, हमारा दिमाग, हम उन्हें ये मानते हैं। हमारे यहां पूरे हिंदुस्तान में, मैंने आपको पहले ही बताया, डिग्री लेने के लिए कश्मीर की तरफ मुंह करके 8 कदम चलते हैं, ये कश्मीर का दर्जा है, कश्मीर का ये दर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता हिंदुस्तानी दिमाग। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया हमारे पोटेंशियल को, हमारी ताकत को, हमारी सलाहियत को रिकॉग्नाइज कर रही है, आप इसमें पार्टनर हैं, आपको हिंदुस्तान की आने वाले दिनों में जो रोल हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में अदा करना है उसमें आप पार्टनर हैं। इन्हीं खान साहब, इन्हीं अल्फाज के साथ हम
कंक्लूड करते हैं और आपको खुशामद करते हैं कि आप कश्मीर में हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह आप आते कश्मीर रहे, आपका बड़ा जोड़ है कश्मीर के साथ। जैसे आपने बताया कि मैं जब अलीगढ़ में था या यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब भी मेरे जो वहाँ पे वोट डालने थे या वहाँ पॉलिटिक्स में उस वक्त भी थे, आप आज भी हैं, तो आज तो खैर आप तो नॉन पॉलिटिकल है लेकिन कश्मीर के साथ आपका बहुत संबंध है और आगे भी रहेंगे और हम आपको हमेशा दिल की उम्मीद गहराइयों से कश्मीर में आने के वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे। खान साहब शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।